लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे ऑडियंस होता है। कॉमेडी सर्कस है ऑडियंस का फेवरेट शो, इसीलिए कंपेटिटर चैनल बना रहे हैं प्लान कि ये शो कैसे बंद हो। कॉमेडी के एक नए शो की तैयारियां दिखाने आ रहे हैं सुदेश एज चैनल हेड, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स, सिद्धार्थ एज सेक्रेटरी एंड सुनील सावरा एज वेरियस कैरेक्टर्स। कॉमेडी सर्कस मैं तंग आ गया हूँ इस कॉमेडी सर्कस से। आखिर इस टीवी को सिर्फ दो ही शो मिले हैं हंसी वाले, एक कॉमेडी सर्कस और दूसरा रिपीट टेलीकास्ट कॉमेडी सर्कस। ये सीएडी आप लोग देखते हो, ये क्या है? पता नहीं कितने सालों से ये चल रहा है। जब ये शुरू हुआ उसके 3 साल बाद ये सोनी टीवी शुरू हुआ। सोनी टीवी फिर इन्होंने सीएडी पे रिलीज किया। पहला टीवी जब ऑन किया गया तो एबीसी प्रदुमन आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना पुराना है। जब टीपू सुल्तान जब ये ऐसे वो तलवार सीखता तब से ये पैदा हुआ। आप नहीं जानते, ये उसके बैच की ये जानती है। मेरा दिल करता है या तो कॉमेडी सर्कस बंद करा दूं या इनको बोलूं हमको भी ले लो। सर ये लीजिए आपकी चाय। मैं तेरे थप्पड़ मारने, और तेरे को पता है मैं कॉफी पीता हूँ कॉफी। तो तेरे को भी पता है ना स्टैंड अप मैं करता हूँ, तेरा सुना ना मैंने। Hey, क्या बकवास कर रहा तू? मेरी सेक्रेटरी मोना किधर है? अरे मेरे को क्या मालूम तुम्हारी सेक्रेटरी है, हमारे साथ दिन को थोड़ी होती है वो। तुमको मालूम रहेगा, अपने को कोई मालूम नहीं। क्या ओ मोना इज हियर। हाय सर, हु आर यू? इधर आओ इधर आओ। आपके साथ बैठो बैठो बैठो। हाय सर। तू नहीं, इतना लेट कैसे हो गई तू? सर सर मेरे पीछे एक लड़का लग गया था सर। लड़का पीछे लग गया था, तू लेट कैसे होगी? सर साला धीमे धीमे चल रहा था। ओ चुटकला चुटकला। नहीं नहीं सर, ये तो बलबोला है। बलबोला है? हाँ। बबलू बबलू बबलू। अच्छा बेटा। हाँ। जाओ मोना के लिए एक गर्मा गर्म कॉफी। हाँ। और ये बबलू के लिए डंडा लेके आओ। डंडा? ठंडा ठंडा बोल रहे साहब, ठंडा। हाँ सर, आपने अचानक ही इतनी बड़ी मीटिंग क्यों बुलाई? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए सर। सिट डाउन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट आर न्यू शो। वी हैव टू टेक द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द इंटायर यूनिवर्स। आई एम सॉरी यू डोंट नो इंग्लिश। आई टॉक पंजाबी। आप कहो जहा प्रोग्राम बनाना है, कमाल कर देनी है। जज लैना वधिया, एहो जहा जज नहीं लैना जरा हर वेले एहो ही गल्लां करदा रहे। वह कुछ गल्लां कौनियां पैंदियां, कुछ गल्लां नहीं कौनियां पैंदियां। ऐ नहीं कि ओ निकुल मेरे भरा फलाने मेरे भरा गल्लां कर करके प्रोड्यूसरां नूं लुट रहे ने। यू डोंट नो पंजाबी। आई एम सॉरी आई टॉक बंगाली। मानो जिया जा नहीं को मानो दुनिया ता शुद्ध शोर थे पर आज भाई वो छनछार पोरी जो शबाई निजे निजे भाई भाई ताज शुरू जो उठे ओशो है फूल को ये भी तो यार कुछ भी नहीं आता आपको। तो फिर मैं क्या करूं यार, धन्य है विपुल यार पैसे दे ही जा रहे समझ गई है। खैर इनको तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन आपको तो समझ आ गया होगा। हाँ सर, मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कॉमेडी सर्कस खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया सर। अपन मीटिंग 11 बजे तक करते हैं क्योंकि कॉमेडी सर्कस 8:30 बजे आता है, 10 बजे तक खत्म हो जाता है। ये चाय वालों को जब हम चैनल पे जॉब दे देते हैं तो फिर यही हाल होता है। मेरी बात को समझो, मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जो बेड़ा गर्क हो जाए मेरे चैनल का। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा चैनल आप समझे रंग चैनल। मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जिसका नाम तो होगा कॉमेडी लेकिन उसमें कॉमेडी बिल्कुल नहीं होगी। सर मैं बोलता हूँ एक सक्सेसफुल कॉमेडी शो बनाने के लिए ना बाहर से जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम शो पर लेकर आते हैं साहब। सर मैं कुछ बोलूं? सर एक सक्सेसफुल शो बनाने के लिए ना हम बाहर से जो टैलेंट है ना उसको अपने शो में लेकर आते हैं। मोना एक बात सच सच बताना। यस सर। तुमने अपने मुंह पे कभी लात खाई है? नहीं सर।
नहीं कही ना? तो ठीक है, आज शाम को प्रोग्राम बनाते हैं लात का, एक तेरे मुंह पे लात मारे। ये क्या बकवास कर रही है? जो वो बोल रहा है वही तू बोले जा रही है, ठीक है? अरे मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता, वो बताओ। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं। सर चुप रहे। अरे पागल, फोन आ गया फोन। हेलो, ऐसे रखे। हाँ चुप। हाँ बोलो। सर मैं आपको वो बात बताती हूँ जो आपको नहीं पता। हाँ सर, जब आप घर पे नहीं होते हैं ना सर, तो आपकी बीवी सर किसी पराए मर्द के साथ घूमती है। ए, मेरे नाम काहे को बीच में लगा रही है तू? मेरा नाम नहीं लगाने का। ये क्या, तू मेरी बीवी है कोई? सही बात सर, यही वो पराए मर्द है जिसके साथ आपकी बीवी घूमती है। मैं थप्पड़ मारना तेरे। ये पराया कैसे हुआ, सारा दिन मेरे को चाय पिलाता, खाना पिलाता। तू घुमा कर, बहुत अच्छी, 20 साल रहा उसके साथ, बहुत अच्छी चीज है। यार मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मैं एक अच्छी सोच लेके आया हूँ, एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जो चले ना, बेड़ा गर्क हो जाए। बेड़ा गर्क करना ना साहब। हाँ जी। सिद्धार्थ जाधव को लो 40,000 रुपया पर महीना, और ऐसा नजर भी नहीं लगेगी अपने शो को, ऐसा काला कांडी आदमी हो। देखो तुम्हें 40,000 रुपया नजर आ रहा है, जो 5 लाख कमरे फ्रेश करने के लिए सेंट छिंकना पड़ेगा, वो परफ्यूम लगाना पड़ेगा, वो कौन देगा? है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ जाधव को छोड़ो सर, उसकी पार्टनर भारती को ले लो, वो मेरे बगल में रहती है, उसकी हम लोग आएंगे, रिक्शे का भाड़ा बचेगा। तुम मेरे एक पुराने मित्र हो, उठ के एक थप्पड़ मारोगे इनको? वेरी गुड, आप बैठोगे। थैंक यू सर। क्या बकवास कर रहे हैं? अगर ऐसे गाड़ी देख के किसी को जज रखना हो तो अर्चना को तो कोई जज ही नहीं रखता। कभी ऑटो वाला जज देखा आपने? हाँ। अरे हाँ ना, अरे बुलाओ बेटा। आप समझो बेटे, शर्म करो, तुम एक ऑफिसर हो, वो चाय वाला तुमसे सीनियर है, इसके साथ बैठो, थप्पड़ नजदीक पड़ेगा। हाँ। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप कॉमेडी सर्कस के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं सर? बदला लेना चाहता हूँ। बदला? मेरे पिताजी की मौत कॉमेडी सर्कस की वजह से हुई। क्या बात कर रहे हैं साहब? कॉमेडी सर्कस में जो सुदेश लहरी आता, एक दिन स्टैंड अप कर रहा था, 10 मिनट वो बंदा पता नहीं क्या भौंकता रहा, मेरे पिताजी देख रहे थे, जरा भी हंसी नहीं आई, सदमा लग गया, वो मर के। वही मैं बोलता हूँ साहब, अगर उनकी जगह कृष्णा जी का स्टैंड अप होता ना, तो मेरा पूरा खानदान मर जाता। सर आपको मैं तुम बकवास मत कर, मैं चाहता हूँ कोई दमदार बंदा ढूंढो, कोई दमदार। दमदार तो एक ही साहब, सोहेल खान को जज ले लो, मैं तो बोलता हूँ बहुत मस्त है, बिरयानी बिरयानी लेकर आता है। सर मैं एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। सर आप एक दमदार बंदा सोहेल खान को ले लो, बिरयानी बिरयानी लेकर आता है, मस्त आदमी है। बोलो। एक सच सच बात बोलो। यस सर। तुमने कभी अपनी रीढ़ की हड्डी पे हथौड़ा खाया? नहीं सर। तो शाम को प्रोग्राम बनाते, एक तो आपकी पीठ के मैं दर्शन कर लूंगा, एक हथौड़ा मार लेंगे। अरे क्या बकवास कर रही है तू? जो वो बोलता है वही तो बोले जा रही है। सोहेल खां को लेकर मैं उसका अचार डालूं, क्या करूंगा उसका मैं? सर मैं सच्ची बता रहा, आपको पूरा फ्लॉप करना है, पूरा बेड़ा गर्क करना, बोरिया बिस्तरा पैक करके गाओ, मैं चैनल बंद, खत्म। तो राजीव ठाकुर को ले लो। सर सर मैं एक बात बोलूं, राजीव ठाकुर को ले लो, इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। सर 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 मेरा एक तात्पर्य है कि इस शो में आदरणीय मंत्रा जी को ले लेते हैं। वाह, मुझे क्या पता था आप ही मौत के शौकीन हैं। सर ये जो आपकी ये जो मोना है ना, बहुत अच्छा किया इसको मार दिया, बिल्कुल कैरेक्टर लेस है, चंद पैसों के लिए कॉमेडी सर्कस में सिद्धार्थ बनी फिरती रहती है, आपको मालूम है। मैं तो बोलता हूँ सर ये अर्चना जैसी मर्द सर ऐसा लेकर आओ, बढ़िया कोई हंसने वाली, छे छे फेफड़ों वाली औरत कहाँ मिलेगी साहब? देखो हमें अर्चना जैसी जज बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी सर्कस का आज जो नाम है, अर्चना का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। अरे बहुत बड़ा हाथ ही नहीं, बहुत बड़ा पाँव भी है साहब। मैंने देखा है बोल बच्चन की शूटिंग करते थे ना, लंच टाइम में पाँव ऐसा उल्टा कर दो, 6 जन का डाइनिंग टेबल बन जाता था खाना वाना खाने के लिए। साहब अगर अर्चना नहीं मिली ना, हाँ? वो तो उधर से आएगी नहीं। मरद जैसा आपको कोई चाहिए? हाँ? नेहा को ले लो। वाह, इस बात से बहुत खुशी मिली मेरे को। अरे सर ए नहीं नहीं अबे उठ नहीं
इधर आके बैठ। अरे बैठो ना साहब। हाँ नेहा को ले लो, सारा आपका बजट बजट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं, खुद के सोफे लेके घूमती है वो, कुर्सी का कोई खर्चा नहीं रहेगा उनका। कुछ और बताओ। और तो फिर वो आपको भी बोला था सोहेल खान। सोहेल खान पता क्या, बिरयानी तो कोई भी बना लेगा। कोई ऐसा जज ढूंढो जिसकी फिल्म अटकी हो। कोई ऐसा तो कोई नहीं है सर। तो फिर आप तुषार को बुलाओ। अरे नहीं साहब, हमको ऐसा जज चाहिए जो हमको फिल्में दे, हमसे फिल्में मांगे ना। और अरे मैडम आपको चेयर की क्या जरूरत है? आप ऐसे अरे स्टैंड अप बैठो। ठीक है आप बताओ। बहुत गर्मी लग रही है मुझको, इसलिए प्लीज फटाफट एसी चलाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है मैडम। ओ मैडम समझा करो। You're really funny. मुझे तो बहुत अच्छे लगे चपड़ासी। इसकी तो बातें फनी, आपका पता क्या क्या फनी, आपको क्या पता? देखो यार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो यार। तुम लोग एक काम करो, मुझे जज बनाना है ना तो मेरी दो शर्तें माननी पड़ेगी। क्या शर्तें? देखो जो डायरेक्टर है ना उसको रोहित शेट्टी को रखना पड़ेगा। अच्छा। और मेरा जो को स्टार है ना रितेश, उसको साथ मेरे साथ जज रखना पड़ेगा। तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। ऐसा कहे को करना ही पड़ेगा क्योंकि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मैं चलता हूँ। क्या पंच टोका इतना? एक मिनट, यहाँ काम मेरी शर्त में होगा, ठीक है? मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बोलो, दो शर्तें तो आपकी दिख रही हैं, आप बाकी बता दो। चलो मेरी बात। अब मीटिंग जिस चीज के लिए हमने रखी है, अब वो बात करें, या फजूल की बातों का क्या फायदा? बताइए बताइए। देखो जो जरूरी बातें हैं वो, अरे 8:30 बज गए, मीटिंग कल करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमेडी सर्कस आने वाला है, वो नहीं मैं मिस कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मजा आएगा अपनी जगह, कॉमेडी सर्कस अपनी जगह, जिसने देखना मेरे पीछे आ जा। आजा आजा कॉमेडी सर्कस देखते हैं, कॉमेडी सर्कस जिंदाबाद, कॉमेडी सर्कस। जजेस आपको क्या लगता है? अर्चना हम लोग बहुत खराब हैं पता है। मतलब किसी को नहीं छोड़ते, आज इस एक्ट में तो हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, अपने आप को मतलब कॉमेडी सर्कस के पीछे ही पड़ गए। वेरी इफेक्टिव एक्ट, कॉन्सेप्ट वॉज नाइस कि एक दूसरा चैनल है जो कॉमेडी सर्कस की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग रियलिटी शो है लेकिन आप लोग इतनी रियलिटी दिखाते हैं और इतनी क्यूटली आपने दिखाया है। आई थिंक द राइटर इज राज, एक राज है, एक आप लोग हो सुदेश कृष्णा, कि आप कितना पागलपन कर सकते हो और जब वो पागलपन कामयाब होता है ना तो किस हद तक होता है। गैग्स, पंचेस, मैडनेस, कृष्णा आप तो हंस रहे थे आधे एक्ट में, आपकी अंग्रेजी कमाल की थी सुदेश, ऑसम। इन योर सिक्स्थ ईयर अगर आप इस मंच पर एक नया अंदाज हमारे सामने पेश कर सकते हैं, दैट इज अगेन अ क्रेडिट। छोटे सिद्धार्थ आपका वो पंच कमाल का था, वो जो आप रिपीट करते थे जो पियन बोलता था, दैट वॉज अ लवली पंच। सो कृष्णा यू आर कम्प्लीटली मैड, आई लव यू सुदेश, छोटे सिद्धार्थ and Sunil Savra ji welcome, but these three I love and Raj also, love you guys. Sohail, itni energy ke saath, itni sincerity ke saath, main individually nahi kahunga, in fact ma'am has covered everybody individually, main team ko cover karna chahunga. Thank you. Wow. Standing ovation from both the judges. So judges zara scores bhi bata dijiye. Sohail 10 points from Sohail. नहीं अभी मेरे को एक कंप्लेंट है, मैं तो 10 नहीं दे सकती, मैं तो 9 दूंगी क्योंकि कृष्णा ने कहा था कि भारती को अच्छे नंबर मिले थे बिकॉज शी केम एंड गेव अ किस टू सोहेल। आई डिडंट गेट माय किस सो आई एम नॉट गिविंग यू 10। पर ये किस क्यों नहीं आया? कृष्णा, सुदेश, सिद्धार्थ और सुनील के लिए जोरदार तालियां। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.